तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को जो आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, मुझे इस तरीके का एक ड्राइंग मिला, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको जो है शेयर किया जाए, ताकि अगर किसी को अगर पता ना हो इसके बारे में तो उनको जो है मालूम हो जाए, ठीक है। देखिए बेसिकली इसमें है क्या, इसमें देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक ड्राइंग है, ठीक है। ये ड्राइंग मैंने अपने ऐप में डाल के रखा हुआ है, तो आप लोगों को अगर देखना है अच्छे से तो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कॉलम खड़ा है। देखिए ये कॉलम है, ये वाला भी कॉलम है, और ये वाला कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। तीन कॉलम है, चार कॉलम है यहाँ पे, और इस पर जो है गैलरी रखा हुआ है इस तरीके से, देखिए आप यहाँ पे, है ना। तो इसमें बेसिकली मुझे बताना ये है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। अगर आपको इमेज जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटिंग पे जाके और जो वीडियो का क्वालिटी है वो आप जो है एचडी में कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम है हमारे पास, ये देखिए आप, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका कोई भी हाइट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ना यहाँ पर हाइट लिखा हुआ है, ना ही जो है ड्राइंग में कहीं इसका डिटेल हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे होता ये है कि अगर नए लोग जो हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं रहता है, तो वो जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इसका हाइट है कितना, ठीक है। लेकिन इसका हाइट यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला, और एक है ये वाला, ठीक है। तो यही इसका जो है हाइट होता है, और इसी से हमको निकालना पड़ता है कि जो कॉलम है इसका टोटल हाइट कितना है, ठीक है। तो वही मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे इसका हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये प्लस में दिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, 499.50 है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर का हाइट है उसको इसमें माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे मैं माइनस करके आपको दिखाता हूँ, तो पहला है हमारा 508.035 और माइनस 499.500, तो कितना आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8.535। मतलब कि जो इसका हाइट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये कॉलम का जो हमारा हाइट है वो कितना है, 8.535, ठीक है। ये मीटर है, मतलब 8 मीटर 535 मीटर, ठीक है, सॉरी मतलब कि 8 मीटर 535 mm, है ना, इसका लेंथ है, कॉलम का लेंथ है, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी कॉलम का या फिर किसी का अगर हाइट ना दिया हो, डायरेक्ट लिखा हुआ ना हो, और उसके जगह पे अगर इस टाइप का अगर दे दे, तो आपको जो है कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं और एक दो एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए इसी को हम यहाँ पर और पीछे आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ भी दिया हुआ है सेम चीज़, कितना है, 505.761 और नीचे का कितना है, 499.500, ओके। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आ गया 6.261, ठीक है, मतलब कि 6 मीटर 221 mm, ठीक है, मतलब कि 6 मीटर 221 mm इसका लेंथ है हमारा कॉलम का, ठीक है। तो आपको ये जो है याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स अभी तक जो है हमने अपने चैनल पे बहुत कुछ जो है आपको जो है सिखाया हुआ है। आपको अगर देखना है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और हमारा चैनल निकाले फिटर की पूरी जानकारी, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, ड्राइंग अगर आपको नहीं आता तो ड्राइंग कैसे देखना है, मतलब बेसिक से स्टार्टिंग से हमने जो है सब कुछ बताया हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई पाइप फिटर का काम सीखना चाह रहा है तो उसको जो है बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप जो है जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, बिल्कुल वहाँ पे हमने स्टार्टिंग से जो है एकदम एंड तक जो है डिटेल में बिल्कुल बताया हुआ है। तो जाके देखिए और सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।